स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल मोक्ष गेमिंग पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप इजीली रैंक पुश कर सकते हैं, चाहे सोलो चाहे डुओ या स्क्वाड। तो ये टिप्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो बात कर लेते हैं सबसे पहली टिप की। तो सबसे पहली टिप ये है कि गाइज आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है अपने सर्वाइवल पे, किल पे नहीं, क्योंकि सर्वाइवल हमें ज़्यादा पॉइंट दिलाता है और किल हमें कम। मतलब अगर हमें किल करने से 1 पॉइंट मिल रहा है तो सर्वाइव अगर हम ज़्यादा देर तक करते हैं तो हमें 4 पॉइंट मिलते हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करने की ज़रूरत है। उसके लिए आप ऐसी लोकेशंस को चूज़ करें जहां आपको अच्छी खासी लूट मिल जाए और आप बहुत ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है बहुत बंदे हॉट ड्रॉप्स पे उतर जाते हैं और वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते। भले वो 2-3 किल कर लेते लेकिन उनके माइनस लग जाते हैं, क्योंकि उनकी सर्वाइवल रैंकिंग माइनस में चली जाती है। भले किल में वो 2-4 पॉइंट पा जाते हैं, तो अगर किल में 2-4 पॉइंट पाते हैं तो सर्वाइवल में 6-7 पॉइंट का माइनस लग जाता है। इस वजह से उनके हर टीयर में हर गेम में कुछ ना कुछ माइनस लगता है। तो बात कर लेते हैं दूसरी टिप की। तो गाइस दूसरी टिप ये है कि आपको हमेशा हॉट ड्रॉप्स को कभी जंप नहीं करना अगर आप रैंक पुश पे कर रहे हैं। तो आपको ऐसी लोकेशन चूज़ करनी जहाँ आपको पहले अच्छी खासी लूट मिल जाए और आप बढ़िया लूट के साथ रेडी हो जाए, तब आपको उस लोकेशंस पे जाना। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हम उतर तो जाते हैं और हमें लूट मिलती नहीं और कोई बंदा हमें मार के चला जाता है, या हमें लूट मिल भी जाती है तो इतनी अच्छी नहीं होती कि हम सामने वाले बंदे किल कर पाएँ। तो गाइज आपको ये भी दूसरी पॉइंट ध्यान देनी। अब तीसरी पॉइंट मैं बात करने वाला है, आपको हमेशा अपने साथ रखना है थ्रोएबल्स जैसे स्मोक ग्रेनेड, मॉली और फ्रैग ग्रेनेड। इससे आपको आखिरी जोन में बहुत ज़्यादा मदद होती है, क्योंकि आखिरी जोन में बंदे हमें स्पॉट नहीं होते और हम क्योंकि वो अधिकतर बंदे घास में लेटे होते हैं, तो आपको उस समय टेम्परेरी कवर बना देते हैं स्मोक ग्रेनेड आखिरी जोन में। और अगर ग्रेनेड है फ्रैग ग्रेनेड तो आपको एनिमी की लोकेशन भी स्पॉट कराने में मदद करती है। तो इसलिए आपको हमेशा थ्रोएबल्स अपने पास रखना है। तो बात कर लेते हैं चौथी टिप की, जो कि है कि आपको अपनी बेस्ट गन कॉम्बो ढूंढनी है और आपको पहचानना है कि आप सबसे बढ़िया रिजल्ट किस गन कॉम्बो के साथ देते हैं, और आपको हमेशा उस गन कॉम्बो को ही प्रीफर करना है किसी भी दूसरे गन के। कई बंदे को मैंने देखा है कि उनको AWM या स्नाइपर नहीं चलाने होते तब पर भी वो ले लेते हैं। तो गाइज अगर आप रैंक पुश कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में आपको अपनी बेस्ट गन कॉम्बो रखनी है, किसी भी लालच में नहीं आना, ओम एटैक्स कोई भी लालच नहीं, आपको बस अपने गेम प्ले पे ध्यान देना है। क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कलेक्ट करने हैं, ना कि आपको किल बढ़ाने हैं। तो अगर आप KD बढ़ाने के चक्कर में, तब आप कोई भी गन रख सकते हैं, आपकी बेस्ट कॉम्बो के लिए भी वो ज़रूरी है और आपकी अच्छी फाइट के लिए भी बेस्ट गन ज़रूरी है। तो आप किल और इससे सर्वाइवल दोनों बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर बेस्ट गन कॉम्बो होता है ना तो बंदा को अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि सामने कोई भी हो मैं उसे मार लूँगा। तो इसलिए आपको फोकस करना है अपने बेस्ट कॉम्बो पे। अब बात कर लेते हैं सबसे लास्ट टिप की है, आपको कभी भी व्हीकल नहीं छोड़ना, आपको हमेशा अपने साथ एक व्हीकल ज़रूर रखना है। क्योंकि जैसे ही आपको पता है कि जोन से डैमेज मिलता है और कई बार बंदे जोन के बाहर से हमें फायर करते रहते और हम जोन में आने की वजह पैदल आते हैं तो हमें वो ईजिली किल कर सकते हैं। तो आपको अपने साथ एक व्हीकल हमेशा रखना है, उससे आप ईजिली क्या कर सकते हैं कि आप आराम से फाइट ले सकते हैं और जोन के अंदर भी भाग सकते हैं। आपको बहुत जल्दी आप रश कर सकते हैं, आप किसी भी सिचुएशन से पैनिक सिचुएशन से ईजिली भाग सकते हैं। तो ये भी आपके लिए अच्छी टिप है। तो गाइज इस टिप्स आपको अच्छी लग रही होंगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, और ये एकदम रियल टिप्स है, ऐसा कोई भी टिप नहीं है जो मैंने आपको गलत बताई है। अब बात कर ले अपने कुछ टॉप कमेंटर्स की। तो बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी वीडियो के नीचे कमेंट किया, और थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर सपोर्टिंग मी।